وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत करें ज़रूरत सामीन नाजरनकर दर्श नंबर इकतीस सूर्य बकरा आयत नंबर नौ आज का मौजू क्या हम जाहिर के धोखे का शिकार हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज़ करते हैं सबसे पहले गुजशत सबक का इहदा होगा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं हालांकि वो ईमान नहीं रखते सूरे बकरा आयत नंबर नौ युखा वजीन आमन ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और ईमान वालों को यानी कोशिश कर रहे हैं वमा अखदसम लेकिन ये धोखा नहीं दे रहे लेकिन अपने आप को व माशरुन इनको इस बात का शुरू तक नहीं है देखें अल्लाह ताला को धोखा या मोमिनों को धोखा ये कौन देता है देखिए अल्लाह को धोखा इंसान अगर ख़ुद धोखे में मुबतला हो तो फिर ये किसी को धोखा देता है इंसान मैं एक बात करूँ इसको ज़रा समझने की कोशिश करें यानी एक रास्ता गलत रास्ता अगर आपको सही लगता है दुनिया में किसी भी जगह का तो लोगों को आप उसी रास्ते पे लगाएंगे क्योंकि आप ख़ुद आपको ख़ुद रास्ते का इल्म नहीं है अगर आप ये गलत रास्ते को देखिए ये मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे एक शख्स आप पिंडी मेरावल पिंडी का रास्ता है इस्लामाबाद का रास्ता है आप उसको पिशावर का रास्ता समझ रहे हैं कोई आपसे अगर पूछे कि भाई पिशावर का रास्ता क्या है तो आप उसको इस्लामाबाद का रास्ता बताएँगे तो हकीकत में तो आप ख़ुद धोखे का शिकार हैं आपको पता भी नहीं है कि पेशावर का रास्ता है कौन सा तो फिर आप तो गलत फहमी में हैं ना ये सिर्फ गलत फहमी की बात होती है जिस तरह आज हम एक गलत फ़हमी का शिकार हैं कि हम मोमिन हैं मोमिन हैं और हम ठीक हैं और हर शख्स सामिल कराम अगर मैं क्योंकि मैं भी आप, आप ही में से हूँ और इसी माशरे का एक फ़र्द हूँ मस्जिदें भरी भी हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि अल्लाह की दीन की हकीक़त क्या है ये दीन इस्लाम है क्या कुरान क्यों आया है नबी की दावत क्या है किसी को नहीं मालूम बस नमाज़ें पढ़े जा रहे नमाज की हकीकत जाने बग़ैर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं दिन की हकीकत जाने बगैर दीन के बाद अफ़ाल आप कर रहे हैं टोटली दीन तो आप ले ही नहीं सकते टोटली तो आप ख्वाहिशाते नफ्स के गुलाम हैं आपका मबूद अल्लाह नहीं है बल्कि ख्वाहिशात नफ्स हैं आज देख लें हमने दीन हम लोग दीन के ताबे नहीं है दीन को हमने अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर लिया है अब मिसाल के तौर पे हमारे जो सरबराह ममलिकत है आज वो रियासत मदीना की बात करते हैं लेकिन आप देख लें यानी ये यानी ये, ये हमारा हाल है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं लेकिन हुजूर की दावत को समझते ही नहीं ये मैं चैलेंजिंग की के तौर पे कह रहा हूँ चैलेंज से ये नहीं मालूम हमें कि हक क्या है दुनिया में हम क्यों आए हैं हमने जाना कहाँ है हम कौन है किसी को नहीं मालूम अक्सरीत को नहीं मालूम और ये कुरान फरमा रहा है कि नुकसान में है वसर इंसान लफ़ी खुसर ज़माना गवाह है कि इंसान नुकसान में जा रहा है तो यहाँ धोखे की बात हो रही है कि धोखा असल में हम खुद धोखे का शिकार हो चुके हैं दुनिया को हमने हकीकत समझ लिया है दुनिया को हमने कामयाबी की जगह समझ लिया है और लोगों को भी हम इसी तरीके से समझाते हैं मिसाल के तौर पे आपका आ, पड़ोसी है आपके बेटे पढ़ लिख रहे हैं और अपने अपने स्कूलों में जा रहे हैं पड़ोसी का बेटा आठ साल का हो गया लेकिन वो पड़ोसी जाहिर है कि सलाम है आपकी और बेटे से भी वाकिफ़ है वो बेटा भी आपको मिलता है आठ साल का हो गया है छोटा लड़का है लेकिन वो स्कूल ही नहीं जा रहा आप इस बात को माइंड कर लेते हैं और कभी बेटे को समझाते हैं कभी बाप को समझाते हैं वो लोग जो है नहीं दाखिल कर रहे ना बेटा दाखिल हो रहा है और ना बाप कर रहा है उसे तो आप कितना माइंड करेंगे अब ये आपका धोखा है ये नहीं देखें अब आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे पड़ोसी को भी उसके बेटे को भी बच्चे पढ़ो क्या करोगे कल क्या बनोगे दुनिया में क्या होगा तुम्हारा तुम क्या अब ये देखें ना ये आप आपका ख़ुद दुनिया पर ईमान है और दुनिया के नुकसान को आप असल नुकसान समझते हैं न सिर्फ अपना बल्कि अपने पड़ोसी की बैठक कभी नुकसान समझते हैं कभी स्पेशली उसके घर जाते हैं बैठते हैं उसके पास पड़ोसी के बैठक में बैठ के आप उसको समझाते हैं बेटे को भी बुलाते हैं कि देखो ये तो तुम किस तरफ जा रहे हो ये मैंने आपको एक मिसाल बयान की है मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की जो फ़नून है वह हासिल नहीं करने चाहिए लेकिन मैं सिर्फ आपका ये नज़रिया आपको बता रहा हूँ कि आपकी नज़र में सिर्फ दुनिया की अहमियत है वही बेटा आपके बेटे भी दीन की तालीम नहीं हासिल कर रहे है वही बेटा मिसाल के तौर पर दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है पंद्रह साल का हो गया है चौदह मतलब बालिग हो गया है, अठारह साल का हो गया है, लेकिन उसने पगड़ी मिसाल के तौर पर पगड़ी बांध ली है पगड़ी बांध ली है दाढ़ी जो है उसकी वो दाढ़ी नहीं मंडवा रहा आप और वो कमीज़ शलवार और आपके बेटे जो है पैंट शर्ट अब देखें आप फिर समझाने जाएंगे उसे मेरा पूरा यकीन है कि अगर आपके दिल में कोई दर्द है तो आप उसके बेटे को समझ बेटे को बिठा के अपने पास बुला के या उसके पास जाके कि देखो ऐसा नहीं करते तुमने पगड़ी बांध ली है दाढ़ी भी नहीं मुंडवा रहे हो शेव भी नहीं कर रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो किस तरफ जा रहे हो? <laughs> अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैंने आपको जो मिसालें दी ना इससे आपकी जहनीत आपको अपनी जहनीत का पता चल जाएगा मुझे मेरे साथ खुद ख़ानदान में जब मेरी दाढ़ी आई तो मुझे ख़ानदान में बाज लोगों ने खुशी का इजहार किया बेटा हमारा जो है वो बालिग हो गया है चेहरे पे दाढ़ी आ गई है तो मिठाई दाढ़ी मुंडाई की मिठाई का अहतमाम किया गया या कहा गया कि तुम कब दाढ़ी मुंडवा रहे हो मुझे खुद ये जहनीत है हमारी ये एक ऐसी देखे ये धोखा दही में इंसान खुद मुब्तला होता है मैं अल्लाह ताला के कलाम की एक आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसमें अल्लाह ताला ने वाजह तौर पे हमें बता बताया है कि देखो इन नवादल्ला हकन अल्लाह का वादा सच्चा है फला तुर नकुमुल दुनिया अब ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में डाल दे तो अल्लाह का वादा क्या है इंसान क्या है मैं क्या हूँ आप क्या हैं और मुझसे अल्लाह ताला ने वादा क्या किया है अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मता यानी ये, ये थोड़ी सी जिंदगी है और ये एक आर्स इम्तहान है यहाँ तुम जो कुछ करोगे इसका नतीजा तुम्हारे सामने आएगा एक दिन ऐसा होगा यौमल क़यामत ला रय बफ़ी मैं तुम सबको जमा करूँगामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं वहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा। वहाँ जो कामयाब हो गया असल कामयाबी उसकी है ये अल्लाह ताला ने हमें बताया है कुरान में अब हम यानी दुनिया के जाहिर है कि दुनिया जो है मैं मानता हूँ कि दुनिया के हमारी जिस्मानी कुछ कमज़ोरियाँ हैं कुछ ख़्वाहिशात हैं और दूसरी ये कि दुनिया की ज़रूरियात का हमें एहसास होता है भूख है उसका एहसास होता है जिसम को गर्मी या सर्दी लग रही है उसका एहसास होता है जिसम की जिस्मानी और ज़रूरिया भी हैं उसका भी हमें एहसास होता है तो बड़े हम एहतमाम से वो तमाम ज़रूरियात हमें हम पूरी करते हैं और बसा औकात उन पूरी करने में यानी उसको पूरा करने में हम अल्लाह के अहकाम को पैमाल करते हैं जो मैंने मुख्तसर तौर पे आपको मजमून बताया लेकिन अब यह है ना कि जो अल्लाह के रसूल की एक प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्कई सुमंदान नफ्स हो बादल मौत, होशियार इंसान वो है जो अपने आप को काबू में रखे और आमल करे उस ज़िंदगी के लिए जो मौत के बाद होगी व आमिलमौत जो मौत के बाद शुरू होगी उसको यानी उसके लिए तैयारी करें अब यानी दुनिया जो है ये एक अर्ज़ इम्तहान है अगर आप इस बात को सच नहीं जानते तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के धोखे में आ गए हैं आमतौर पे आज माशरे की बात कर लेते हैं आज माशरे में जो अक्सरियत है माशरे की वो ज़ाहिर के धोखे में मुबतला है आप देख लें किस तरह आप अवेयर हैं या थे अपनी तालीम और डिग्रियों के बारे में फिर अपने दुनिया के कारोबार के बारे में कि कुछ होना चाहिए दुनिया के लिए कुछ होना चाहिए फिर आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अवेयर हैं पंद्रह सोलह साल भारी, भारी भारी फीसें देते रहते हैं उनकी यूनिफाम किताबें ये सब खर्च करते रहते हैं किस तरह आप देख लें ना अप्रैल में हमारा सेशन शुरू होता है इधर मर्दान में तो ये बुक सेलर हजरात सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं होती इनके पास इतना रश होता है हर पेरेंट सारी दुकानें भरी होती हैं सारी दुकानें इतने ज़्यादा अवेयर हैं हम कि बच्चों को हमने पढ़ाना है जाहिरी तालीम लेकिन बातिनी तालीम क़ुरान फहमी ये तो हमारे कोई किस्से कहानियाँ हैं कुरान तो हमारे लिए कोई हिदायत की किताब नहीं है ये तो बरकत किताब है बस इसको आपने चूमना है बच्चे को नाजरा पढ़ाना है बस बात ख़त्म ख़ुद भी आप कुरान फहमी में दिलचस्पी नहीं रखते और बच्चों को भी इसी तरह तो ये देखें ये असल में ज़ाहिर का धोखा है जाहिर के धोखे में अगर इंसान आ जाता है तो ये अपनी दानिश ख़ुद धोखे में आ गया लिहाजा अब और लोगों को भी धोखा देने की कोशिश करेगा बाज़ा आपको मुझे ख़ुद मतलब मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि बचपन से उसने मुझे हिदायत से नवाज़ दिया था लेकिन मेरे अबू के जो दोस्त थे बाज़ अवत ऐसा होता था कि वो मुझे छोटा लड़का था आठवीं जमात में इस तरह तो लेकिन इस तरह मेरा रुझान था अल्लाह के फ़ल से तो मुझे वो समझाते थे और एक वो बुज़ुर्ग जो थे हमारे आ, वो कहते थे जोरू को क्या खिलाओगे तुम तो इस लाइन की तरफ आ गए हो जोरू को अपनी क्या खिलाओगे ये मुझे समझाते थे बड़े प्यार से ज़ाहिर है कि वो मेरे वालिद के दोस्त थे तो बहरहाल मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि धोखा असल में हमें लग चुका है जाहिर का अब इसमें बाज लोग जो हैं वो तो दीन से करीब रहते हैं बबजूह के दीनी घराना है तो लेकिन होते वो दुनियादार हैं असल में उनका यकीन दुनिया पर होता है लेकिन कुछ हदूद व क्यूद का ख़्याल रखते हैं घराना जो है ऐसा होता है लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो आज़ाद होते हैं बहुत से लोग आज़ाद मनुष्य हैं न उनके माँ बाप ऐसे हैं न ख़ुद वो ऐसे हैं ये एक धोखा है वमायदू नफम की मैं बात कर रहा हूँ ये खुद धोखे में मुबिला हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं इनको इस बात का शुरू तक नहीं है अब ये देखें मैं अल्लाह के रसूल की वो बात मेरे ख्याल से मैं पूरी नहीं कर सका अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि <वाला> अलकई ये सुमंदाना नफ्स हुआ आमिल बादल मौत तुम में से होशियार इंसान वो है जो अपने आप को काबू में रखे और अमल करे उस ज़िंदगी के लिए जो मौत के बाद है और बेवकूफ़ है वो शख़्स जो ख़्वाहत नफ़्स की बिना ज़िंदगी गुजारे और फिर अल्लाह से तो रखे व तमन्ना अल्लाह बेवकूफ़ है अब बेवकूफ़ तो ये शख़्स जो है जो अपने आप को काबू में नहीं रखता और मन चाही ज़िंदगी गुज़ार रहा है ये शख़्स बेवकूफ है इस हदीस की रोशनी में अगर आप अपने माशरे की हालत देखना चाहते हैं तो ये सारा माशरा बेवकूफ़ है वो रेड़ी पे खड़ा हुआ जो मजदूर है जो सब्ज़ी बेच रहा है या वज़ी अजम की कुर्सी पे जो है वो शख्स ये सब बेवकूफ़ है दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजार रहे लमयरिद अल हयात दुनिया सिर्फ दुनिया ही की तालेब है हम लोग आम तौर पर देख लें दिन का दीन की हकीक़त हमें नहीं मालूम कल मैं तोयेबा का मतलब हमें नहीं मालूम फिर हमें यकीन भी नहीं है अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं क्या हूँ मेरी हकीकत क्या है मेरी मंजिल क्या है ना अपनी हकीकत हमें मालूम है न जानना चाहते हैं अब मेरी बातें बहुत से लोग ऐसे हैं मुझे मालूम है यूट्यूब पे देख ले मेरे वीवरशिप बहुत कम है जो एक गाना गा ले यूट्यूब पर डाल दे हजारों लाखों हो जाएंगे उनके फॉलोअर्स देखने वाले एक आलू भुजिया की तरकारी की रेसिपी डाल के कि मज़ेदार आलू भुजिया की तरकारी कैसे बनेगी वो रातों रात जो है उसके देखने वाले हो जाएंगे वीवर्स जो है हमारे देखने वाले बहुत कम हैं जो देखते हैं वो सरसरी तौर पे वो इसकी अतला में होता है ना रीच तो रीच हम फिर स्टडी करते हैं वो रीच क्या है उन्होंने क्लिक किया और बस एक आधा सेकेंड या दो सेकेंड बस वो कुरान की बात थी तो बस वो रिमूव कर लिया उन्होंने मुस्तकिल देखने वाले इस दर्स के नहीं हैं सुनने वाले नहीं हैं चाहते नहीं हैं लोग क़ुरान पे हम आधा घंटा बैठे रहें ये कैसे हो सकता है वक्त ज़ाया होगा कोई इंटरटमेंट की बातें हों तो फिर उसको तीन तीन घंटे आप देखें फेसबुक पे लोग दे देते हैं असल में मैं ये कह रहा हूँ कि धोखा धोखे में हम हैं हमें खुद पता नहीं है कि हम धोखे में नहीं हैं हम कहते हैं हम सच हैं हम दुनिया को हकीकत जानते हैं दुनियावी कामयाबी को हम असल कामयाबी समझते हैं इसके नुकसान पे हमारा दिल दुखता है मुख्तर मैं आपको बात करूँ तो ये तो धोखा है दुनिया में आपने जो हासिल किया वो आपका है ही नहीं लाखों करोड़ों रुपए बना लिए आपने कोई आपका सिर्फ न... यानी जब तक जिंदगी है आपके नाम पे रहेंगे इसके बाद तो आप उसको ले जा तो नहीं सकते आपका अहदा है आप मेजर हैं जनरल हैं कर्नल हैं चीफ ऑफ स्टाफ हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं है यानी आपकी हकीकत अल्लाह के दरबार में क्या है चीफ ऑफ स्टाफ की ये तो देखना होगा ना फिर ये तो फिर अल्लाह ताला तो आपके स्टार्स को नहीं देखता कि ये थ्री स्टार है या फोर स्टार है अल्लाह तो आपके दिल की कैफियत को देखेगा हमारा दिल तो फरीफ्तः है दुनिया पर आप देख लें अहदों की आ, कितनी मांग है ग्रेट बाइस का अफसर एक शान होती है उसकी ग्रेड बाईस के अफसर की एक शान होती है पहले एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गया एक दुकान में पिंडी का वाक़ है आज से कोई तीस पैंतीस साल पहले की बात है एक दुकान में खड़ा हुआ था तो वहाँ दो आदमी आए उनके साथ एक के साथ एक उसका वो मातहत था और चमचा था वो उसने पहले आके दुकानदार से तारफ कराया ये साहब ग्रेट ग्रेड बाईस के अफसर हैं और इनको ये चीज़ चाहिए पहले उसने अपने ग्रेड का आ, वो लोहा जमाया कि ये साहब बहन की उस तरीके से इनको ट्रीट करो ग्रेट बाइस के अफसर है मेरे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि धोखा जाहिर दुनिया का धोखा हमें लग गया है हम जाहिर दुनिया के धोखे में आ गए हैं अब न सिर्फ़ ख़ुद हम धोखे में हैं लेकिन हम अपने अहलोयाल को भी धोखे में रखने की कोशिश करेंगे और लेकिन हम ख़ुद धोखे का शिकार हैं ये दुनिया अगर अल्लाह की याद ना हो तो फिर ये एक धोखे का सामान है वमल हयात दुनिया अल्ला गुरूर अल्लाह ताला ने मताए गुरूर किया है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा हमने तो इसका सौदा कर लिया है ज़ाहिर की तरफ दौड़ है और ज़ाहिर ही आ, आपका बला और काबा है तो यह धोखा समझने कहा मैं मुख्तसर ये बात कह रहा हूँ कि इस धोखे से निकलने की जरूरत है ये आपको कौन निकालेगा आपने सुननी होगी अल्लाह की आवाज़ अभी आएगी अल्लाह की आवाज़ आयत नंबर बीस के बाद लाल ये आयत नंबर 21 है इसी सूरत की अभी आ रही है यानी ये हम ये हमारा मजमून जो शुरू है धोखे धोखा याफ्ता लोगों का फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें दावत दी है अपनी बंदगी की तो बहरहाल ये धोखा जो है ये इससे आपको निकलना होगा जो भी धोखे में मुबला है उसको धोखे से निकलना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी वजह यह है देखें ज़ाहिर दुनिया में अगर किसी सौदे में आप धोखा खा लें तो वो धोखे का अजाला हो सकता है एक महंगा प्लाट है आपने यानी एक प्लाट है वो सस्ता था आपने महंगा ख़रीद लिया या सस्ती चीज़ कोई और सस्ती चीज़ आपने महंगे दामों ले ली पीतल को सोने के भाव ख़रीद लिया ये तो दुनिया के धोखे हैं इससे तो आप यानी उहदा बरा हो सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है दु, दुकान आपकी मिसाल के तौर पे दुकान जल गई आप दोबारा दुकान बना लेंगे दुनिया में जो आपके नुकसान होते हैं या जिन धोखों में मुबला आप होते हैं दुनिया के धोखे अगर ज़ाहरी टम्प्रेरी धोखे तो फिर उसका अजाला तो हो सकता है और आ जाएंगे और आ जाएंगे और आ जाएंगे और बन जाएगा दुकान मकान जो भी है लेकिन जो ये दुनिया का धोखा अगर आपको लग गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान एक तो ये बात नोट कर लें कि ज़ाहरी ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी आपकी परेशान हाल गुजरेगी अगर अल्लाह की याद पे दुनिया की याद को आपने तरजीह दे दी जैसा कि आज हमने दी भी है तो आपकी आपको एक चैन का चैन नहीं मिलेगा चैन नहीं मिलेगा आप परेशान रहेंगे परेशान हाल रहेंगे गे या दुनिया की जिंदगी आपकी खुश नहीं गुजरेगी इत्मीनान वाली नहीं होगी क्योंकि दिलों को तो इत्मीनान अल्लाह की याद से मिलता है और आपका दिल तो दुनिया की याद से आबाद है आपका दिल तो दुनिया की याद से आबाद है आपने तो दुनिया को अपना महबूद मकसूद और महबूब बना लिया है तो बहरहाल देखें आज का जो मजमून है वो बड़ा क्लियर है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि यु खाद लज़ीन आमन ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को अब हम अपनी दानिश में देखें अपने आप को मुसलमान समझते हैं और फिर जो है यानी इस्लाम की हकीकत से आगा नहीं है लेकिन कुछ काम जो है हम रिवायती तौर पे अखलाकी तौर पे मतलब आप आपकत दे रहे हैं आप खैरात कर रहे हैं आप ज़कात दे रहे हैं आप रोज़े रख रहे हैं आप नमाज़ पढ़ रहे हैं बग़ैर ईमान बिल्लाह के ये देखें रिवायती तौर पे ईमान हमारी कोई हकीकत नहीं है ये आप ज़रा सोचें इस बात को जो रिवायती ईमान है वो इतना है कि आपको कोई जाहिर में काफिर या मुनाफिक नहीं कहेगा ना इजाज़त है उसकी लेकिन हकीकी तौर पे तो आप साहिब ईमान नहीं हैं। ईमान आपके दिल में नहीं है आपके दिल में तो दुनिया की मोहब्बत है मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हमारा मरज क्या है यहाँ अल्लाह ताला फिर आके आगे फरमा रहा है ना कि इनके दिल में मरज है तो इन उस पर अल्लाह की तोफ़ी से बात करेंगे लेकिन धोखा युखा अल्लाह अपनी दानिश में अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अब में से बहुत सी अक्सरियत ऐसी होगी जो खालिसतन तन अपने आप को मुसलमान समझती है दुरुशरीफ़ पढ़ते हैं अस्कार जिक्र करते हैं ईमान बिल्ला नहीं है अल्लाह मंजिल नहीं है आखिर तरजीह नहीं है दुनिया की मोहब्बत से दिल भरा हुआ है पैसा दुनिया ये वो तो लेकिन कहते हैं कि बस हम भाई अभी मैंने नमाज पढ़ी पाँच वक्त का नमाजी हूँ मैं और कभी कभी तहज्द के लिए भी उठ जाता हूँ तो ये देखें धोखा है इस धोखे से निकल आए हक़ीक़ी ईमान ले आए अल्लाह ताला ने फ़रमाया है मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोगों को कि क्या वो वक्त नहीं आया है इनके दिल झुक जाएँ अल्लाह की याद और जो हक़ से अल्लाह ताजिल की तो हमारे दिल तो झुके हुए हैं ख्वाहिशें नफ्स के पीछे हिरसे दुनिया के लिए तो बहर ये धोखा है और आप अहल ईमान को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप धोखा सिर्फ़ अपने आप को दे सकते हैं माखल नफो आपको इस बात का शरूर भी नहीं है यकीन मेरे सामान में बहुत से लोगों का इस बात का शरूर भी नहीं है कि हम मैं धोखे में हूँ और धोखे का शिकार हूँ बहरअल मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आज़बिल्ल अमिन शैतरम बसमिल्लाम युहाज़ीन आमु وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون यून الله ये अल्ला को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वल्ल जी और ईमान वालों को वमा अखदाऊनः अनफा और ये धोखा नहीं दे सकते लेकिन अपने आप को वमा श और इनको इस बात का शरूर भी नहीं है ابن ایت کی تلاوت بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ये अपने पिंदार में खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर है इसके साथ ही सामने ग्राम आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुंचा इनशा अगले दर्श में मुलाकात होगी व आखिर दावानाबमीन वसलकम वरम्त लबरक